Hello everyone, as all of you know that our revision work is going on and now our topic is our food, कि हमारा खाना, ठीक है, हम क्या क्या खाते हैं डेली. तो you can see here are so many food to eat, दाल, चावल, रोटी, हाँ, राइस, दाल, सैलेड, रायता, ये सब चीज़ें यहाँ रखी हैं, मिठाई भी है, हाँ. What do these people need for doing these activity? आप देख रहे हैं कि ये exercise कर रहे हैं, कोई running कर रहे हैं, कोई game खेल रहे हैं. तो what do they need to do these activity? Activity करने के लिए उनको क्या चाहिए? From where do we get energy? कि activity करने के लिए हमें क्या चाहिए? Energy चाहिए. And how do we get energy? और energy हमें किससे मिलती है? We get energy from the food we eat. कि हमें energy कहाँ से मिलती है? जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें energy मिलती है. Okay? अब आपको energy food से मिलती है. सबसे पहले हमें activity करने के लिए क्या चाहिए? Energy. And we get energy from food. Now how do we get food? अब हमें food कहाँ से मिलता है? Food हमें कहाँ से मिलता है? Food हमें plant से मिलता है और कुछ फूड हमें एनिमल से भी मिलता है ना. मोस्टली जो फूड है वो हमें प्लांट से मिलता है, हाँ, जिसे हम वेजिटेरियन फूड कहते हैं. प्लांट से हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हाँ, ये सब मिलते हैं. और एनिमल से हमें क्या मिलता है? जैसे एग मिलता है, मीट मिलता है और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या मिलता है? मिल्क मिलता है. ओके, तो अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आपको पढ़ाया था. डिफरेंट टाइप ऑफ फूड कौन कौन से हैं? एनर्जी गिविंग फूड, कि जो हमें एनर्जी देते हैं. बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमारी बॉडी को बनाते हैं. एंड प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड. ठीक है, तो अब हम देखेंगे एनर्जी गिविंग फूड हमें क्यों चाहिए. हाँ, Why do we need energy giving food? We need energy giving food to do work and play. Work करने के लिए और play करने के लिए. ठीक है, और body building food क्या करते हैं? हमें grow करने में help करते हैं. हाँ, कि जैसे हमारी body building, नाम से ही पता चल रहा है, जिससे हमारी body build होती है. जैसे आप देख रहे, छोटा सा baby है, फिर वो खाना खाता है, दूध पीता है, थोड़ा और बड़ा होता है, छोटी साइकिल चलाता है, फिर वो बड़ी साइकिल चलाता है, फिर वो और बड़ा हो जाता है, स्कूल जाता है, बाइक पे चलाते हैं, हाँ, एक्टिवा चलाते हैं, फिर वो बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं. तो क्या करते हैं वो? अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए हमें फूड चाहिए, तो वो बॉडी बिल्डिंग फूड है. अभी हम देखेंगे कौन कौन से हैं. और दूसरा है, लास्ट है प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं? दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं. ओके, तो ये होते, अब हम ये कल पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं ये. ठीक है, तो सबसे पहले आज आपने क्या देखना है? आज आप ये रीड करेंगे कि हमें एनर्जी चाहिए. एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से मिलती है. और एनर्जी हमें किस लिए चाहिए? डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए. ओके, और फूड कितने, कहाँ कहाँ से हमें, वेयर डू वी गेट फूड? वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. देखो बेटा, इसमें देखा जाए आपके पास बहुत इजी छोटे से क्वेश्चन हैं. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू दीज पीपल नीड, या व्हाट डू दीज नहीं तो पीपल नीड फॉर डूइंग एक्टिविटीज़, कि लोगों को एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए? दे नीड एनर्जी टू डू एक्टिविटीज़. एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी चाहिए. फ्रॉम वेयर डू वी गेट एनर्जी, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? We get energy from the food we eat. तो ये इसका आंसर हो गया. तो एक क्वेश्चन आपको ये करना है, दूसरा ये करना है. We get energy from food we eat. Next है, from where do we get food? थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? कि फूड हमें कहाँ से मिलता है? Plants and animals are the main source of our food. Okay? And the फोर्थ क्वेश्चन इज डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स. डिफरेंट टाइप ऑफ फूड कौन कौन से हैं? तो वो आप देखेंगे, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैं. एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड. तो आपको बेटा इस वीडियो को देख के फोर क्वेश्चन पहले आपको समझने हैं और इसको फोर क्वेश्चन रिविजन वर्क के अंदर कॉपी में करेंगे. ओके, थैंक यू.